जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी टेस्ट सीरीज में, तभी से अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के बीच तमाम तरीके की तुलनाएं होने लगी। बहुत लोगों ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि विराट कोहली को ओडीआई कैप्टन, टी20 कैप्टन रहना चाहिए और टेस्ट की कमान संभालनी चाहिए अजिंक्य रहाणे को। अब देखिए, अजिंक्य रहाणे ही थे जिन्होंने विराट कोहली के भारत वापस लौटने के बाद दूसरे टेस्ट मैच से, तीन टेस्ट मैचों में उन्होंने भारतीय टीम की अगुवाई की थी और भारतीय जीत को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई उन्होंने। अब ऐसे में लाजमी ही था कि उनके बीच तुलना होगी और बहुत लोग ये चाह रहे थे कि अजिंक्य रहाणे के बीच, अब अजिंक्य रहाणे और कोहली के बीच कंपटीशन छिड़ गया है और ऐसे में अजिंक्य रहाणे को कमान दे देनी चाहिए। लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं कोहली और रहाणे से, उससे लगता है कि इस टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक है। खासकर जो रिश्ता है कोहली और रहाणे का वो काबिले तारीफ है। अगर आप उनकी बातें सुने, रहाणे ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अब बैक सीट लेंगे और कप्तान उनके लिए और पूरी टीम के ही विराट कोहली है और वो रहेंगे, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी बतौर उपकप्तान मैदान में वो उनका साथ देंगे, उनको वो अपने इनपुट्स देंगे। अब मैच से एक दिन पहले विराट कोहली का बयान आया है अजिंक्य रहाणे के इस प्रतिक्रिया पर, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने रिश्ते के बारे में, जो उनका रिश्ता है अजिंक्य रहाणे से मैदान पर और मैदान के बाहर, उस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। आइए सुनते हैं। And I would like to mention that he fulfilled his responsibility in Australia with flying colors, and it was amazing to see how he led the team towards victory, which has always been our goal. Between me and Jinx, we've always enjoyed batting with each other. It's quite evident on the field. We enjoy each other's company. It's just a mutual respect, bonding, which is more than on the cricket field. We do chat off it as well. We stay in touch. And yeah, it's just based on trust. And hence, Jinx said what he said. Between me and him on the field, he's always been someone who's always and always had the capability and the space and the capacity to come and give his inputs at different stages of the game. And we do have discussions on the field as to where the game is heading. I do go and discuss a lot of things with him to get more clarity, a different perspective, other than me focusing on the team plans. That's how we work together. And that is a massive, massive reason for the success of the Indian cricket team. तो जहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन की बात हो रही थी कोहली और रहाणे के बीच, अब इनकी अगर बातों को सुने तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आती है। जो टीम का माहौल है, जो ड्रेसिंग रूम में एक माहौल होना चाहिए, अभी तक बातें हो रही थी कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो चेंज हो जाएगा, जो डायनमिक्स है ड्रेसिंग रूम के वो चेंज हो जाएंगे, रहाणे का जो रुतबा है, स्तर है, वो बढ़ जाएगा। वो लाजमी है, बढ़ा तो होगा ही इस जीत के बाद। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने जो अपनी एक जो अपना रिश्ता बना के रखा है, उसको कायम रखा है, जो आपसी रिस्पेक्ट की बात करी कोहली ने, वो काबिले तारीफ है। और इससे यही पता चलता है, एक बार फिर से इनफैक्ट पता चलता है कि ये एक नई टीम इंडिया है। खिलाड़ियों की जो ईगोस की बात करते हैं, तमाम तरीके की बातें निकल के आती हैं, हर दुनिया की हर टीमों से ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं, लेकिन जो टीम इंडिया का जो हमें माहौल दिखाई दे रहा है इस वक्त, बहुत ही एक अच्छा संदेश मिल रहा है। और ख़ासकर एक अहम सीरीज से पहले इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट मैच होने वाला है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे शुक्रवार को पहला टेस्ट मैच होने वाला है। उससे पहले ऐसी बातें, ऐसी सकारात्मक बातें अगर दो सीनियर खिलाड़ी बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये टीम इंडिया के लिए बेहद अच्छे संकेत है और उम्मीद यही है भारतीय फैंस की कि ये जो माहौल है, ये जो एटमॉस्फेयर है ड्रेसिंग रूम में, वो पूरी सीरीज और आगे आने वाले भविष्य में भी कायम रहे।